अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़ी प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने का व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है। संपूर्ण विपक्ष ने गिरफ्तारी को दमनकारी बताते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी के तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन के क्रम में मेरठ में भी कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी देकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ने व जुलूस निकालने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी को अमौसी एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था। प्रशासन उन्हें दूसरे दरवाजे, दूसरे रास्ते व अपने वाहन से ले जाना चाहता था। राहुल ने इससे इनकार कर दिया और वहीं धरना शुरू कर दिया। राहुल के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी के काफिले को लखीमपुर खीरी के लिए रवाना किया गया। इस बीच चौतरफा दबाव को देखते हुए शासन स्तर पर प्रियंका गांधी की रिहाई का बड़ा फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, शासन ने अब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी लखीमपुर जाने की इजाज़त दे दी है। राहुल गांधी इससे पहले सीतापुर गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां प्रियंका गांधी को हिरासत पर रखा गया है। यहां से वह देर शाम तक लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। उधर आज मेरठ में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यूसुफ कुरैशी ने यह कहा, ये जो प्रजातंत्र की हत्या की है, किसानों के पर इस कदर जुल्म जबर करके कुचलना और उनको मौत के घाट उतार देना, गृह मंत्री के बेटे, गृह मंत्री खुद इसमें लिप्त है, खुद शामिल है, और जो जख्मों पर मरहम रखने के लिए, ताजियत करने के लिए हिंदुस्तान की अजीम कायद, अजीम रहनुमा प्रियंका गांधी जा रही थी, तो उनसे शांति भंग हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो किसानों के कातिल हैं, उनको सरेआम फिर रहे हैं, वो सरेआम घूम रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेजी दौर के अंदर भी इतना बड़ा जुल्म और जबर कभी नहीं देखा गया, जो आज भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी की सरकार के अंदर ये जुल्म और जबर देखा जा रहा है। कभी नहीं देखा गया कि जमहूरियत के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर कभी भी अपोजिशन को इस तरीके से कुचलने का प्रयास किया जाता रहा हो। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेज़ों से लोहा लिया है, अंग्रेज़ों को इस हिंदुस्तान से भगाने पर मजबूर किया है। आज हिंदुस्तान के अवाम के बलबूते पर, हिंदुस्तान के अवाम के दिलों को जीतने के लिए किसानों की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, और कांग्रेस प्रियंका गांधी किसानों के साथ साथ अब NRC का जो मसला था उसको ऊपर भी जगह जगह कही है, जहां पुलिस की गोलियों से लोग मरे गए थे NRC के अंदर, जहां किसान मारे गए थे, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो दलितों पर अत्याचार रहा हो, प्रियंका गांधी ने हमेशा मजलूमों के जख्मों पर मरहम रखने का काम किया है। आज वही प्रियंका गांधी किसानों के, मजलूमों के, उनके बच्चों पर, उनकी बेवाओं को जहाज बनाने के लिए, ताजियत करने के लिए जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर आज कानून ये बन गया कि जो शोक प्रकट करने जाएगा, जो किसी के मरने पर ताजियत प्रकट करने जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये राजनीति नहीं है, ये प्रजातंत्र की हत्या है, ये तानाशाही है। और कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की तानाशाही का मुकाबला किया है, और योगी और मोदी की तानाशाही का भी मुकाबला करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस जन एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।